बिस्मिल्लाहि व बिललाहि व अला मिल्लति रसूलुल्लाह आऊज़ु बिललाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहादा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिनिल मुस्तफा व आलिहिल अतहार रब्बि श्रहली सदरी व यस्सिरली अमरी व हलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली अम्मा बाद आला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अफ़ज़लु अल-आमाल मिनल उम्मती इंतज़ारुल फ़रज। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरी उम्मत के लिए बेहतरीन अमल इंतज़ार फ़रज है। सलावात पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अजल फरज। मोमिनात, पहले दिन से हम आपके सामने आपको कायल करने की कोशिश कर रहे हैं, कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो हमने एक तसव्वुराती सा, एक अजीब सा कॉन्सेप्ट हमने दीन का बनाया हुआ है अपने जहनों में, उसे छोड़कर बड़ी हकीकत पसंदी से हमें सोचना चाहिए कि एक्चुअली दीन ने आपसे क्या तकाजा किया था। व्हाट डिड एक्चुअली दीन वांट, कि आपको किस तरह से सोचना है इन चीज़ों के बारे में जिन्हें हमने आज जो है ऐसा समझ लिया कि वो अनरियल है। जैसे किसके ऊपर हम बात करते हुए आ रहे हैं, इबलीस के ऊपर। शैतान के लिए परवरदिगार ने कुरान मजीद में कहा है अदुव्वु मुबीन, खुला हुआ दुश्मन है, ओपन एनिमोसिटी करेगा आपके साथ। लेकिन हुआ क्या है कि हमने समझ लिया वो आसमानों का किस्सा था, अभी कहाँ वो हमारे पीछे पड़ा हुआ होगा। आप खुद सोचिए, अगर मैं सिर्फ आपको एक दो मिसालें दूं कि हमें पता चलता है कि तारीख में हमें रिवायात हमारे सामने मौजूद हैं कि अहम तरीन मोड़ पे ही मौजूद था, बड़े बड़े जो अहम तरीन इम्पॉर्टेंट तरीन वाक़ात थे उनमें ही वहाँ मौजूद था। आज हम अम्बिया का तस्करा नहीं करेंगे, कल अम्बिया का इंशाल्लाह तस्करा करेंगे कि किन किन नबियों से इबलीस मिला है, ताकि आपको समझ में आए कि दरहकीकत यहाँ हो क्या रहा है। आज हम तस्करा करेंगे वो अफराद इस दुनिया के जिनके वो अच्छे तरीके से कुरान मजीद ने या फिर तारीख ने याद नहीं किया है, उनसे भी मिला था, यानी कि जो बुरी तरफ थे, दूसरी रॉन्ग साइड ऑफ द फेंस पे थे, उनको भी, उनसे भी मिला है। सिर्फ ये नहीं है कि नबियों को क्योंकि दिख सकता था वो सब जो हमें नहीं दिख सकता है इसलिए नबियों से इसने मुलाकात की थी, ना, बल्कि उन्हें भी जिनसे इसे मतलब था, इबलीस को जिनसे, जिन जिन लोगों से इसे मतलब था उनसे भी मुलाकात की है। जैसे मिसाल के तौर पे आपको अच्छी तरह मालूम है जब जनाब इब्राहिम को नारे नमरूद में फेंकवाया जाने लगा था तो कितनी बड़ी आग थी, मीलों दूर से देखी जा सकती थी, ऐसा ही है, थोड़ा सा सर हिला रहे ना, मीलों दूर से देखी जा सकती थी। अब मीलों दूर से दिख रही है तो इसका मतलब है दहक भी उतना ही रही होगी, इतना दहक रही थी, इतनी ज्यादा हॉट थी। कहते हैं कि जिन लोगों को भी नमरूद कह रहा था ना कि अब तुम जाकर यू कैरी इब्राहिम और जाकर इब्राहिम को नार में फेंक दो, तो कहेंगे सबने रिफ्यूज कर दिया। उन्होंने कहा इतना दहक रही है, यहीं से ऐसा लग रहा है हम जल जाएंगे, इब्राहिम को कौन डालेगा, हम नहीं डाल सकते। कहेंगे मोम्मा पड़ गया, अब क्या होगा, बना तो ली, आग तो इतनी रोशन कर दी, इब्राहिम को कौन फेंकेगा और कैसे फेंकेंगे और कितनी दूर से फेंका जा सकता है। तो यहां पर कौन आया था, किसने आइडिया दिया था कि कैटापल्ट यानी मंजनीक बनेगी, किसने आइडिया दिया था, शैतान ने, इबलीस ने, बाकायदा ड्राइंग करके बताया था ऐसे बनेगी, ऐसे फेंकना है। उसने कहा ऐसा ना हो, सब कुछ तो करवा दिया मैंने प्लानिंग से, ये बीच में इब्राहिम ही ना जाए। कहा नहीं, ऐसा नहीं, प्लानिंग पूरी होनी चाहिए, मौजूद था, आइडिया दे रहा था, हाउ कैन इट हैपन। आप जानते हैं उस वक्त भी मौजूद था, मिलके सलावात सुनाइए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरज। उस वक्त भी मौजूद था जब फिरौन ने खुदाई का दावा किया था, फिरौन ने खुदाई का दावा किया था, याद है? आप कहेंगे मुझे क्यों याद होगा, मैं हजारों साल पहले थी क्या? लेकिन ऐसे ही आपको जगाने के लिए, फिरौन याद है जब उसने कहा कि मैं खुदा हूं, कहेंगे तारीख क्या कहती है, रिवायत के अल्फाज क्या है, कहेंगे जब इसने खुदाई का दावा किया ना तो एक बनी इसराइली, बेचारे बनी इसराइली सारे गरीब गुरबा थे, उनसे सारे निचले दर्जे के काम लिया करता था, तो कहेंगे एक बेचारा वेरी पॉवर्टी स्ट्रिकन बनी इसराइली, वो एक आया, उसके हाथ में खोशे अंगूर था, खोशे अंगूर बंच ऑफ ग्रेप्स लेकर आया। अच्छा, फिरौन ने कहा अच्छा मैंने खुदाई का दावा किया, बंच ऑफ ग्रेप्स मेरे लिए लेकर आया। उसने कहा नहीं, तेरे लिए नहीं है, तू तो खुदा है, तुझे क्या जरूरत है, ये मैं इसलिए लेकर आया हूँ ये जो खोश है अंगूर है ना, बंच ऑफ ग्रेप्स है, इनको तू तब्दील कर दे, मैं हूं गरीब। फिरौन ने कहा किस में तब्दील कर दूं, कहेंगे मैं चाहता हूं, वो बनी इसराइली क्या कहते हैं, कहेंगे मैं चाहता हूं प्रेशियस स्टोन्स मरवारीद में तब्दील कर दे। वो ऐसे मरवारीद, ऐसा प्रेशियस स्टोन होता था जो समंदर की गहराई में मिला करता था,
और बिल्कुल बेशकीमत होता था। यानी मैं चाहता हूँ खोशे अंगूर को खोशे मरवारीद में तब्दील कर दे। अब जो फिरौन के हाथ में ये खोशे अंगूर आया तो उसे और गौर से देख रहा है। अब कहता है हाँ तो करे कैसे, हाउ डू यू चेंज देम, और अगर कहता है ना तो खुदाई का भरम निकलता है, लोग कहेंगे फिर खुदा किस चीज़ का। कहेंगे अब उस बनी इसराइली से कहेंगे कल आना, कल देखेंगे। कहेंगे वो चला गया और खुद वो खोशे अंगूर बंच ऑफ ग्रेप्स लेकर अपने कमरे में आ गया, बेडरूम में आ गया। कहेंगे दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। अब सोचने लगा कहेंगे इसको बदनू कैसे तब्दील कैसे होगा। अचानक दकुल बाब हुआ, समबडी नॉक्ड ऑन द डोर। इसने आवाज दी, कहा कौन? कहेंगे बाहर से इबलीस ने आवाज दी। कह लानत हो ऐसे खुदा पर जिसे ये भी नहीं पता है दरवाजे के उधर कौन है। कहेंगे और खुद ही इबलीस ने दरवाजा खोला, अंदर आया। कह ला मुझे दे, खुदाई का तो तूने दावा कर दिया, हो कुछ नहीं रहा तुझसे। कहेंगे वो जो होशे अंगूर था, बंच ऑफ ग्रेप्स था, इबलीस ने फिरौन के हाथ से लिया और उसके ऊपर कुछ फूंका, वो वाकया होशे मरवारीद में तब्दील हो गया, टर्न्ड इनटू यानी जेमस्टोन्स, प्रेशियस स्टोन्स। फिरौन भी बड़ा हैरान, उसने कहा ये कैसे किया तूने, व्हाट डिड यू डू, जंतर मंतर तो हमें भी आते हैं, ये तूने क्या पढ़ा है जंतर मंतर से, ये तो इस तरह तब्दील होने वाला नहीं था, वो तो मुझे बहुत सारे काहिन जादूगर मैंने रखे हुए लेकिन ये तो नहीं होने वाला था, ये कैसे किया तूने। उसने कहा ये मैंने इतना कुछ किया, इबलीस कह रहा है बड़ी अजीब देखिए अल्फाज देखिए, कहेंगे मैंने इतना कुछ किया लेकिन खुदाई का दावा मैंने भी नहीं किया था। कहेंगे देख मेरे अंदर कितनी कैपेबिलिटीज थी, खुदाई का दावा नहीं किया। कहेंगे तो हाँ ये तो बता इस पर पड़ा क्या। कहेंगे मैंने खुदा का एक नाम जो इसमें आजम है वो फूंका है। वो फिरौन भी परेशान, उसने कहा अच्छा इतना खुदा परस्त था, तौहीद परस्त था तो कर लेता आदम को सजदा। अब इबलीस ने जवाब दिया, बड़ा मार का तुलारा जवाब है तो मलून लेकिन जवाब पते का देकर गया। जवाब क्या दिया, कहेंगे मैंने इसलिए आदम को नहीं किया था सजदा क्योंकि मुझे पता था आदम की पुश्त से तुझ जैसा नाहंजार पैदा होगा। यानी शैतान को भी पता है कि इंसान की सबसे बड़ी बदकिस्मती क्या है कि खुदा का नाफरमान उसके यहां पैदा हो जाए। बड़ा अजीब है लेकिन बहरहाल अपने टॉपिक पे रहते हैं, कहीं और ना चले जाए, तरबियत औलाद पे यही रहते हैं। हर मोड़ पे मौजूद था, ये जितने भी बड़े बड़े विलन से इतने बड़े बड़े नाम है ना, सबसे मिला हुआ है, सबसे मिला हुआ है। हत्ता कि कुछ नाम ऐसे जिन्हें लिए भी नहीं जा सकते हैं यहां पे, और हत्ता कि हिजरत की रात याद है ना, हिजरत की रात तो याद होगी, बड़े नारे लगाते हैं हिजरत की रात पे। हिजरत की रात पे जब प्लानिंग हुई थी, मक्के के जितने भी ये बड़े बड़े सरदार थे उन्होंने प्लानिंग क्या की थी कि सरवरे कायनात को कत्ल करेंगे, यही हुई थी ना प्लानिंग। कहेंगे प्लानिंग तो कर ली, अब सबके सब परेशान। कहेंगे वार कौन करेगा बनी हाशिम से, ये दुश्मनी कौन लेगा, जिसने वार किया बनी हाशिम उसकी नस्लों से फिर बदले लेते रहेंगे। कहेंगे कौन करेगा वार, किसने आइडिया दिया था, इबलीस ने। जी हाँ याद आ गया आपको सारा कुछ, इबलीस ने आइडिया दिया। कहेंगे सब मिलके करना, किसी से भी दुश्मनी नहीं होगी। बड़ा अजीब है, हर जगह मौजूद था। हत्ता के छठे इमाम से पूछा गया कि 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी आशूर के दिन हमें मालूम है मलाइका उतर के आए थे, ये इबलीस क्या कर रहा था। छठे इमाम इरशाद क्या फरमाते हैं, कहते इबलीस ने 10 मुहर्रम आशूर के दिन जब हुसैन का कत्ल हो गया, शहीद हो गए, कहेंगे उसने खुशी में फिर पूरी दुनिया का चक्कर लगाया था। उसने कहा आज जितना मैं खुश हूं मैं कभी भी नहीं हूं। तारीख में हर मौके पर मौजूद था, हर मोड़ पे, हर जगह पर। तो हम मुसलसल आपसे ये पूछते हुए आ रहे हैं, जिसको हमने एक ऐसी चीज समझ लिया कि इट्स लाइक अ फेरी टेल, पता नहीं है भी कि नहीं है, ये हमें बता दिया गया इबलीस मेरे साथ है, उसके चेले इधर उधर है, कहां है रियली, इज इट रियली हैपनिंग। हाँ हो रहा है, यकीनन हो रहा है। हम जो मुसलसल दो दिन से बात कर रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ कि पहले मौजूद था और अभी ही इज ऑन अ हॉलीडे, नो इट्स नॉट हैपनिंग, वो अभी भी काम पर है लेकिन काम थोड़ा तब्दील हो गया। बस दोबारा से समराइज हम एक दो जुमलों में कर देते हैं ताकि लोगों के जहनों में रिफ्रेश हो जाए कि टॉपिक क्या है। काम तब्दील इसका कैसे हुआ है, जब तक हुज्जत खुदा आंखों के सामने थे, खुदा के रिप्रेजेंटेटिव्स आंखों के सामने थे, तो करता क्या था, या तो उम्मत को ही उनका दुश्मन बना दिया करता था या उनकी गाइडेंस उनकी हिदायत से लोगों को मुनहरिफ कर दिया करता था। इसके दो ही काम थे, या तो लोगों को इतना ऑपोजिशन में ले आता था वही बढ़कर हुज्जत खुदा को शहीद कर दिया करते थे। अभी क्या हुआ कि दीन तो महफूज हो गया, पैगाम तो महफूज है, खुदा ने कहा अकमल तो लकुम दीनकुम, दीन हो गया महफूज कर दिया मैंने, और हुज्जत खुदा परवरदिगार ने उन्हें भी महफूज कर दिया, वो भी गैबत में चले गए। अब इसका एक ही काम है। उसने कहा भाई दीन महफूज हुज्जत खुदा गैबत में करना क्या है, बस ऐसा कुछ करो हुज्जत खुदा वापस ही ना आए, उन्हें ही आते में डिले कर दिया जाए।
ये तो नहीं हो सकता, इसे पता है सिस्टम के मुखालिफत में इस तरह से कर सकता हूँ, चीज़ों को डिले कर सकता हूँ, सिस्टम को ख़त्म नहीं कर सकता। जिसके पीछे इलाही इरादा हो उसको मैं ख़त्म नहीं कर सकता, ये भी जानता है। सो व्हाट डू आई डू, मुझे सिर्फ ये करना है हुज्जत खुदा की, ये जो जहूर की बातें हो रही हैं जहूर ही ना होने दो। वो कैसे, वह मुसलसल आपके सामने कह रहे हैं। एक ही आसान तरीन तरीका उसके पास क्या था, उसे समझ में आ गया कि भाई देखो 72 पे शियत ने इतनी ताकत हासिल की थी, 313 होंगे तो इमाम जमाना आएंगे, ये 313 ही ना बनने दो, नासरीन होंगे ही नहीं, जहूर भी नहीं होगा। और कैसे नहीं बनने दो, इनके जहनों पे काम करो, मुख्तलिफ तरीके से इसको फंसा के रखो। ये जो बनना चाह रहा है ना, हर रोज कह देता है वाजिल फरज हूं, कभी दुआए हद पढ़ रहा है, कभी दुआए नुतबा पढ़ रहा है, कहीं ज़ियारत नाहिया पढ़ रहा है, कभी कह रहा है मौला मैं आपके नासरीन में से शुमार होना चाहता हूं, कभी कह रही है कि मैं तो चाहती हूं मेरी औलाद नासरीन में से हो, इमाम जमाना के नासरीन में से हो। इसको ऐसा फंसाओ चीजों में, ऐसा मसरूफ कर दो, इतना मसरूफ कि इसे लगे कि मैं नासरीन में से बन रही हूं, लेकिन दर हकीकत पटरी चेंज हो गई होगी। पटरी चेंज होने का पता है बच्चों को तो कुछ पता ही नहीं होगा, यहाँ पे जो पाकिस्तान इंडिया के रहने वाले हैं वहाँ पर रेलवे का क्या सिस्टम होता क्या है कि जो रेलवे ट्रैक होता है ना सीधा सीधा चल रहा है, तो उसको अभी भी आज भी इस 21st सेंचुरी में भी यही हो रहा है कि बेचारा एक आदमी आता है और वो ट्रैक को चेंज कहता है, उर्दू में हम इसे कहते हैं पटरी बदलना। इंसान ट्रेन में आराम से झूमता हुआ बैठता हुआ जा रहा होता है, अच्छा मैं नॉर्थ में जा रही हूँ नॉर्थ में जा रही हूँ, अचानक किसी ने पीछे से पता ही नहीं चला पटरी चेंज कर दी, चेंज द ट्रैक्स, नॉर्थ में जाते जाते साउथ जाने लग गए, पता ही नहीं चला झूमते हुए जा रहे हैं। दीन में हमें लगा हम सीधे सीधे राह मुस्तकीम पे जा रहे हैं, राह मुस्तकीम पे जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं चला पीछे किसने कब कांटा बदल दिया, पटरी बदल दी, सीधा सीधा चलते चलते इधर उधर जाने लग गए, पता ही नहीं चला हम समझे हम नासरीन इमाम जमाना बन रहे हैं, पीछे कब शैतान ने कौन सा ट्रिक खेल के कौन सी चाल कौन सी तदबीर की और हमारा कब ट्रैक बदला समझ ही नहीं आए। मुसलसल आपके सामने हम पेश कर रहे हैं, आज तीसरा दिन है कि उसने कौन कौन से जाल फैलाए हैं, क्या कहा था हमने कि 7 हम उसके जाल आपके सामने पेश करें, कौन कौन से उसने अपनी चालें चली हैं, चाल चलिए मकर किए हैं, 7 मकर उसके आपके सामने पेश करने हैं कि किस तरीके से उसने हमारे जहनों के साथ खेला है। आज क्या चीज पेश करनी है, बहुत सादा है लेकिन आज मुझे लग रहा है पिटाई होने वाली है मेरी, कोई बात नहीं एक दो लगी जाएंगी। जब आसमानों में परवरदिगार ने इबलीस से कहा था कि मैंने सबको हुक्म दिया था कि जब मैं आदम के पुतले में अपनी रूह को फूंक दूं तो सजदे में गिर जाना, तूने क्यों नहीं किया सजदा, तो इसने पलट के क्या जवाब दिया था, उसने कहा इसलिए क्योंकि इसे मिट्टी से बनाया है, मुझे आग से बनाया है, किसे पता था इसकी ये खुद पसंदी, खुद पसंदी, सेल्फ लव, इसकी ये खुद पसंदी इंसान को कहां तक ले आएगी। हां उसने फखर किया था, इसका हमारे से क्या ताल्लुक है। इबलीस को याद रहा कि मैं बारगाहे रब्बुल इज्जत से क्यों निकाला गया था, क्योंकि मैंने घमंड कर लिया था, परवरदिगार को पसंद नहीं आया, क्या हुआ अगर वो मिट्टी से बना है तू आग से बना है, जब मैंने कह दिया सजदा कर ले तो तुझे करना चाहिए था। उसे वो अपनी जिल्लत भूली नहीं, परवरदिगार ने इंसान को जमीन पे भेजा ना तो हुक्म क्या दिया, का अपनी रूह और नफ्स के ऊपर तवज्जा रखना, असल चीज यही है, रूह पे तवज्जा रखियो इंसान, क्योंकि यही पलट के मेरी तरफ आने वाली है, इसी पे तवज्जो कीजियो। ये जो जिस्म में दे रहा हूं ना ये फकत एक सवारी है, ये तो मिट्टी में मिलके मिट्टी हो जाएगा, इस पर तवज्जो नहीं रखनी। इबलीस ने क्या किया, कब उसने पीछे से ट्रैक चेंज किया पता ही नहीं चला, उसने क्या किया, परवरदिगार ने कहा था तवज्जो रूह पे रखना, असल चीज वही है, बचेगी वही, इसी ने वापस पलट के आना है। इबलीस ने क्या किया, आपकी तवज्जो को रूह पर से हटाकर जिस्म पे कर दिया। और ये जो जिस्म है ना, आज इंसान क्या हुआ है, रूह की लज्जतों को भूल गया है, जिस्म की लज्जतें उसे याद है। अभी हम एक दूसरे अशरे में ये बात कह रहे थे कि इंसान को आज कहां ला के मारा है इबलीस ने, और शैतानी जितने भी निजाम है ना इर्द गिर्द का, उसने क्या किया है हमारे साथ, किया क्या है, हमारी ख्वाहिशात में आग लगा दी है। जितनी जिस्म की लज्जतें हैं ना, जिस्म की जितनी भी लज्जतें हैं ना बड़ी मुख्तसर सी हैं, बहुत थोड़ी सी, शॉर्ट लिव्ड, लेकिन है क्या, हमें उसमें फंसाया हुआ, मसरूफ किया हुआ। मिसाल के तौर पर खाना कितनी देर में बनेगा, बल्कि ये कहो पहले ये बताओ खाना कितनी देर में खाते हो, कितनी देर में खाते हो। अब सब सोच रहे हैं अगर मैंने ही कह दिया आधा घंटा लगता है, हो गया मेरा काम,
मिनट्स एट द मोस्ट डिनर होते हैं, अच्छा बच्चे की बात सुनते सुनते नवाला निकल गया, अच्छा अभी पहले तुम अपनी आर्ग्यूमेंट पूरी कर लो. होता कि अगर आमतौर पे आप अपने आप को टाइम करो 5 मिनट्स, लिटरली 5 to 6-7 मिनट्स बहुत हद है, खत्म कर देते हैं आप. लेकिन बनाने में कितना वक्त लगा, पहले गए शॉपिंग करके आए और लंदन की अगर ट्रैफिक में फंस गए हो गया काम आपका, और फिर घर में आए, फिर उसके बाद अगर आपने वहां पर, हम ये बात कह रहे थे, YouTube देख देख कर, टेलीविजन देख देख कर अगर रेसिपीज बनी, वो जो आधे घंटे में बनना था वो 1.5 घंटे में बना, 2-2 घंटे में खाना बना और आखिर में खाया कितनी देर में गया, 5 मिनट. कपड़ा पहनना था, ओहो उसकी तो एंडी हो गया. शादी में कपड़े पहनने के जाने थे, कितना महीना लग जाता है. नहीं नहीं देख कर पहनेंगे, ऐसे थोड़ी पहन लेंगे, पहले तो विंडो शॉपिंग होगी. यानी पहनना कितनी देर के लिए, 2 घंटे के लिए पहनना था. लेकिन इसमें क्या किया, आपको मसरूफ इन्हीं चीजों में रखा हुआ है, जिस्म की लज्जतों में मसरूफ रखा हुआ है. इंसान को लगाना कहीं और था टाइम, वक्त कहीं और सर्फ हो रहा है, कहीं और सर्फ हो रहा है. 2 घंटे के लिए लिबास पहनना था, उसके लिए हमने मेहनत कितनी की, पूरा महीना लग गया. पहले विंडो शॉपिंग गए, फिर गए, फिर टेलर के पास गए, फिर ये किया वो किया, फिर मैचिंग की चीजों पर गए, आखिर में जब पहन के खड़े हुए तो सोच रहे हैं अरे भाई इतना अच्छा भी नहीं. मसला यही है, इंसान को कहां मसरूफ कर दिया है. और मसरूफ में क्यों कह रही थी, पिटाई होगी इसलिए कि जो अगली बात करने वाले, करना क्या था, रूह की दिलकशी पर मुझे तवज्जो देनी थी. पहुंच गए, पहुंच गए. हा? किसकी दिलकशी पे मेरी तवज्जो है, चेहरे की, जिस्म की. मुझे ये देखना था मेरी रूह काबिल कबूल है परवरदिगार के हुजूर में इसने जाना है. लेकिन मैं क्या देख रही होती हूं, दुनिया के हुजूर में ये जाएगा जिस्म, ये काबिल कबूल है कि नहीं है, इसी पे सारी तवज्जो है. हमने क्या किया हुआ है, जिंदगी में फिल्टर लगाए हुए हैं. फोन पे फिल्टर होते हैं ना, घंटों बैठे हुए उसको कर रहे होते हैं किसी तरीके से मैं सही लगूं. नहीं, फिल्टर लगाए हुए हैं फोन पे, फिल्टर लगाए हुए, यही फिल्टर मैंने जिंदगी में भी लगा लिया. घंटों लगा देते हैं, घंटों. अगर मैं कहूं ना, ये जितनी वाजिब नमाजें पढ़ते हैं इसके अलावा 2 रकत नमाज और पढ़ लें, ले एक और में लगा दिया, उसमें नहीं लगेगी तवज्जो, नहीं लगेगी. लेकिन अगर एक और प्रोडक्ट कॉस्मेटिक्स का दे दिया जाए ना कि ये भी लगा लें बहुत अच्छी लगेंगी, हाँ. सुबह को एक एक घंटे मिरर के सामने खड़े होकर हम लोगों ने पूरा जो है वो मेकअप करना था. इस पे मैं कह रही थी कि मेरी पिटाई होने वाली, मैं बाहर जाके बहुत पिटने वाली हूँ. अब वो तो इंसान को किस चीज में लगा दिया गया, कहते सिर्फ यूके में ईयरली बेसिस पे 4.6 बिलियन pounds हम कॉस्मेटिक्स पे सर्व करते हैं. Did you know that? On average, UK में कहते हैं कि on average every woman spends 18,000 pounds in a lifetime on cosmetics. अब आप कहेंगे आपको क्या पड़ी है, अगर मैं थोड़ा सा पहन लेती हूँ क्या हुआ. एक ब्यूटिशियन से मेरी बात हो रही थी, बड़ी अच्छी उन्होंने बात की. कहेंगे बीच की जो 3-4 प्रोडक्ट्स हैं इनकी तो जरूरत ही नहीं होती है, 2-3 में काम निकल सकता है. मैंने कहा तो फिर क्यों लगाते हैं. कहेंगे इसलिए क्योंकि कॉस्मेटिक इंडस्ट्री को पता है वो बेचेंगे आप खरीदेंगे. उन्हें पता चल गया, उन्होंने ख्वाहिशात में आग लगा दी है और उन्हें पता है कि ये खरीदेंगे. कल उन्होंने लगाया हुआ, ये भी लगा लीजिए, ये भी लगाइए, लगा, फिर आखिर में ऐसे चमक के आप सामने आएंगे. सब कुछ लगा लो, जो असल चेहरे का नूर और जो परवरदिगार की तरफ से होता है ना इबादत का, उस जैसा किसी का भी नहीं होता. या इमाम बारगाह से उठकर जाओ, जो वाकयन आशूर के बाद चेहरे का नूर होता है वो किसी कॉस्मेटिक में नहीं है, हकीकतन नहीं है. बल्कि कहा जाता है ये जो सलातुल्लैल, अगर इसे पढ़ ले, जो चेहरे का नूर परवरदिगार इसके बदले में देता है, और फ्री 18,000 pounds भी नहीं लगेंगे लाइफ टाइम में. लेकिन है क्या, हमारी तवज्जो इधर कर दी गई. यहां से भी इंसान को बुलंद करते करते किस मकाम पे ले आए, चाले है ना इसकी, मकर है इबलीस का. इस वक्त दुनिया के अंदर बाकायदा प्लास्टिक सिटीज है. आप कहेंगे ओहो बहुत प्लास्टिक का इस्तेमाल होता होगा, नहीं, इसलिए क्योंकि वहां प्लास्टिक सर्जरी बहुत होती है. अब यहां पर पिटाई शुरू होने वाली है मेरी, क्योंकि लोग कहेंगे ओके इफ आई कैन अफोर्ड इट एंड इट्स मेकिंग मी हैप्पी, व्हाट्स रॉन्ग विद यू. हाँ ठीक है, दैट्स फाइन. लेकिन कितने लोग होंगे इसी दुनिया में जो किसी छोटे से प्रोसीजर के लिए कभी इसका चेहरा देख रहे हैं, कभी उसका चेहरा देख रहे हैं. किसी को लाइफ थ्रेटनिंग कोई डिजीज है एंड दे कांट अफोर्ड टू गेट एनीथिंग डन, और वो कभी किसी का चेहरा देख रहे हैं, कभी किसी का चेहरा देख रहे हैं. और इस इबलीस मलोन ने हमें किन चीज़ों में लगा दिया, जो मेरी असल मसरूफियत होनी चाहिए थी वो रही नहीं, और जो चीज़ें मेरे लिए थी नहीं उसने उसमें हमें इतना मसरूफ कर दिया है कि बाज़ोकात ऐसा लगता है शायद हम इंसानियत से दूर आ गए. सोचें, लेकिन ये जो इसने मटीरियलिज्म को फरोग दिया ना, इसके बदले में स्पिरिचुअलिटी के लिए परवरदिगार ने
अपना एक तरीक़ेकार अपनाया कि देखो अगर इसकी मादियत से तंग आ जाओ ना तो रूहानियत के कुछ एड्रेसेस मैं बताए दे रहा हूँ, महफूज कर रहा हूँ, जब दिल तंग आ जाए तो इन एड्रेसेस पे आ जाना, इन पतों पे आ जाना, तुम्हें रूहानियत मिलेगी, तुम्हें असल में लज्जत मिलेगी। वो लज्जत जो 5 मिनट की ये देता है वो नहीं, फिर ऐसी लज्जत जो दायमी है, जो हमेशा रहेगी, यहाँ मिलेगी। एड्रेसेस पते परवरदिगार ने महफूज कर दिए। एक एक पता आपके सामने हम पेश करते जा रहे हैं, आज तीसरा पता इमाम जमाना का वो आपके सामने पेश करना है, मिलके एक अच्छी सलावत। अच्छा इंटरेस्टिंग करने के लिए खुद भी गेस वर्क किया करो, आज मैं कौन सा एड्रेस बताने वाली हूँ मौला इमाम जमाना का, होगा होमवर्क हो जाएगा ना। हमने पहला जो एड्रेस इमाम जमाना का आपके सामने पेश किया कि आबाई घर, आबाई घर सामरा, कि माँ बाप की और वो जो आबाई घर होते ना जहाँ पैदाइश हुई हो इंसान की, और माँ बाप की अगर वहाँ कुबूर भी हो तो उससे इंसान का रिश्ता कभी टूटता नहीं। कल हमने आपके सामने पेश किया कि देखें एक तो घर होता है जिसे माँ बाप ने बनाया, एक वो घर जो इंसान खुद बनवाए, जिसकी आर्किटेक्चर में आपका खुद का हाथ हो, आपने प्लानिंग उसकी करवाई हो, तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। और वो कौन सा है जो खुद मौला इमाम ज़माना ने बनाया, कल आपके सामने हमने पेश किया मस्जिद जम कराना। लेकिन एक और भी जगह होती है, एक और भी सेंटर होता है जिससे इंसान का लिंक कभी टूटता नहीं है। कौन सी जगह? जहाँ से इंसान इंस्पायरेशन लेता है। कभी जिंदगी में आप कहीं पहुँच गए हो ना तो किसी चीज़ ने अगर आपको मुतासिर किया हो, इट हैज़ इंस्पायर्ड यू टू बी एट अ सर्टन प्लेस इन लाइफ, तो आप उस जगह से अपने कनेक्शन को कभी तोड़ नहीं पाते हैं। इमाम ज़माना की सबसे बड़ी इंस्पायरेशन करबला मोहल्ला है, और यही मौला का तीसरा एड्रेस है। कल से इंशाल्लाह आपके सामने तीन वो पते पेश करेंगे जो इमाम ज़माना के ज़हूर के बाद भी बहुत अहमियत के हामिल होंगे। आज करबला है खुद इमाम ज़माना की इंस्पायरेशन की प्लेस। वाह, एक जो सबसे पहले 300 से जायद अहदीस में इमाम ज़माना को इमाम हुसैन का बेटा करार दिया गया, क्योंकि आप उनकी नस्ल से हैं, तो अबाउजदाद का एक वो जो लिंक है वो दोबारा से यहाँ पर हमारे सामने आता है। लेकिन इसके अलावा आप देखिए कि इमाम ज़माना का ज़हूर किस दिन होगा, जुमे के दिन, तारीख कौन सी है, 10 मुहर्रम, आशूर का दिन है। इमाम सैयदुश्शहदा ही के दिन पर इमाम ज़माना का भी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डे है आशूर। यानी लिंक्स कैसे कैसे हैं आप खुद सोचिए। ये जो और इमाम ज़माना जब वापस आएंगे काबतुल्लाह में जो पहला खुतबा देंगे उसके अंदर अपने बारे में ऐलान करने के बाद सबसे पहले किस चीज़ का तज़किरा होगा, करबला का और सैयदुश्शहदा का। और खुद इमाम हुसैन ने आखिरी बात जो जनाब सैयद सज्जाद से कही थी वो क्या थी, कि जनाब सैयद सज्जाद से इमाम हुसैन कह रहे थे कि बेटा मेरा खून उबलता रहेगा जब तक मेरी औलाद में से मेहदी आकर 70,000 मेरे दुश्मनों से बदला नहीं ले लेता। भाई हुसैन के तो कातिल फना फिनार हो गए, खत्म हो गए, किन से बदला लेंगे। यानी इसका मकसद ये है कि मेरा बेटा आकर मेरी ही सोच के ऊपर कयाम करेगा। दर हकीकत करबला में जो कुछ भी हुआ वो बुनियाद है इमाम ज़माना के ज़हूर की और उनके इनकलाब की। क्या वाकई इमाम ज़माना आते हैं? देखो इसलिए भी आते हैं क्योंकि प्लेस ऑफ इंस्पिरेशन, लेकिन इसलिए भी आते हैं कि करबला विरासत है और उसके वारिस इमाम ज़माना है, और करबला से जो फर्श अज़ा चला है इस अज़ा के भी वारिस कौन है, एक ही इमाम ज़माना है। तो क्या इमाम ज़माना रोज़े आशूर रोज़े अरबईन करबला में नहीं होते होंगे? आइए मैं बताती हूँ। आयतुल्ला मेहदी बहरुल उलूम बहुत बड़ा नाम है, मेहदी बहरुल उलूम, बहरुल उलूम इन्हें कहा जाता था, यानी उलूम का समंदर। उनके एक दोस्त कहते हैं, कहेंगे जब तक कुम में मेरे साथ रहे तो इनका इल्म इतना ज्यादा नहीं था, मेरा इल्म इनसे ज्यादा था, कहेंगे फिर हमें पता चला कि उनका नाम तो बहरुल उलूम रख दिया गया, बहरुल उलूम। कहेंगे मुझे हैरत हुई, मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, इतने से अरसे में यहां से उठ के गए, कभी तो मुझसे भी कम इल्म था अब इतने ज्यादा। कहेंगे मैंने बताया नहीं, खत नहीं भेजा कि मैं आ रहा हूँ, दोस्ती तो थी। कहेंगे मैं नजफ पहुँच गया, नजफ पहुँचा मैंने पूछा बचाया कि मेहदी बहरुल उलूम का दर्स कहाँ चलता है, कहेंगे खामोशी से जाकर पीछे बैठ गया। कहेंगे मैंने देखा, देखो तो सही दर्स में क्या बात करते हैं, कहेंगे दर्स सुना, मैंने कहा वाकयन इतना इल्म, जिसने भी नाम बहरुल उलूम रखा है सही रखा है। कहेंगे लेकिन दर्स के बाद जाकर मैं मिला, कहेंगे मुझे देखकर बड़े खुश हुए बगलगीर हुए, कहेंगे यहाँ कहाँ,
कहेंगे मैं देखने आया था, इतना इल्म वाकयन है या ऐसे ही लोगों ने बात फैला दी है? कहेंगे यहाँ इतना इल्म कैसे है? जब तक कुंभ में थे आप और मैं दोनों जानते हैं इतना इल्म नहीं था, यहाँ आकर क्या हुआ? कहेंगे मौजदा हो गया। कहेंगे कैसा? कहेंगे मस्जिद कूफा में इमाम जमाना से मुलाकात हुई थी। कहेंगे मुलाकात हुई तो इमाम ने कहा मेहदी करीब आओ। कहेंगे मैं करीब गया लेकिन ऐसा जाहो जलाल था कि मैं नर्वस हुआ कि और करीब जाऊं। कहेंगे मौला कहते रहे करीबा करीबा, इतना करीब लेकर गए कि मुझे सीने से लगा लिया। कि जिस दिन से मैं इमाम जमाना के सीने से लगा हूं तब से ऐसा ठाठे मारता हुआ इल्म का समंदर मेरे सीने में मौजूद है। सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो मौला इनायत फरमाते हैं इन्हीं मेहदी बहरुल उलूम का वाकया है कि करबला में 10 मुहर्रम है, आशूर के दिन जितने भी वो जो आते हैं ना काफले आते हैं गिरिया करते हुए इमाम के हरम में दाखिल होते हैं, वो आ रहे थे, ये मौजूद थे आशूर के दिन करबला में और सारे काफले आ रहे हैं, रो रहे थे बैठे हुए आशूर का दिन। कहेंगे अचानक न जाने क्या हुआ एक हलका आया मातमियों का, मेहदी बहरुल उलूम अचानक खड़े हो गए और ये वो थे कि जिन्हें अपनी जिंदगी में बड़ी शोहरत मिल गई थी। कहेंगे अचानक खड़े हुए, गिरबान को फाड़ा, कफों को उलट दिया, आसीनों को उल्टा और या हुसैन कहते हुए उसी हलके में दाखिल हो गए। कहीं वो इतना रो रहे हैं जमीन पे गिर गए। कहीं लोगों ने हल्का कर लिया, कहेंगे लोग कहेंगे मेहदी बहरुल उलूम को गिरा दिया। कहीं हमने हल्का कर लिया, बाद में पूछा, कहेंगे आगा ठीक है इतना तो रोते हुए हमने कभी भी नहीं आपको देखा, इस तरह क्यों रोए और बेकरार होके ऐसे क्यों? का कैसे ना रोता, उसी हल्के में इमाम जमाना थे। आते होंगे ना आशूर पे जब हम जा रहे हैं तो बेटे को कितनी बेकरारी होगी, मौजूद होते हैं। अब जबकि जाना ना अरबईन पे तो सोचना मैं अपने इमाम के साथ मिशी कर रही हूँ, सोच के जाना। इसी करबला का ही वाकया है ना, उस वो जो जवान लड़का था माँ बाप का बड़ा खिदमत गुजार था, हर शब जुमा पे लेकिन माँ बाप को अकेला छोड़कर करबला चला जाया करता था। क्यों? क्योंकि उसने सुना हुआ था शब जुमा पर इमाम जमाना करबला में होते हैं। हमेशा ये सोचता था एक दिन जाऊंगा तो इमाम जमाना से मुलाकात हो जाएगी, हमेशा चाहता कभी नहीं हुई। एक दिन जा रहा था, एक अरब शख्स आ गया, उसने आकर आवाज दी, कहेंगे जेब में क्या है नौजवान? कहेंगे कुछ भी नहीं। कहेंगे ना किशमिश है। कहेंगे मैंने देखा वाकई किशमिश। कहेंगे अब मेरा जहन काम करना बंद कर देता है ना, होता है मुलाकात पे काम करना बंद। कहेंगे मैं ये नहीं सोच रहा कि इन्हें कैसे पता कि मेरी जेब है किशमिश, कैसे पता इन्हें कि यहाँ पर मौजूद है, लेकिन दलील देनी थी ना कि हम कौन हैं। कहेंगे एक मरतबा उन्होंने बात करना शुरू की तो मैं सोच रहा हूँ इतना इल्म है। कहेंगे मैंने हाथों में हाथ दे दिया और एक मरतबा आवाज दी, कहेंगे आपके पास इतना इल्म है कभी बताएं, इमाम जमाना इन्हीं रास्तों से होकर अपने जद के हरम पे जाते हैं, करबला जाते हैं, मुझसे मुलाकात क्यों नहीं करते, हमसे मिलते क्यों नहीं है? कहेंगे उन्होंने आवाज क्या दी, क्या तू तो ऐसे ना कह जबकि तेरा हाथ उनके हाथ के अंदर है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहेंगे मैं तड़प गया, एक मरतबा बेकरार होकर जमीन पे गिरा हूं तो मैंने आवाज दी, कहा मौला मुझसे राजी है ना? कहा मैं राजी हूं लेकिन शबे जुमा पर करबला ना आया कर, पैगाम है ना, शबे जुमा पर करबला ना आया कर। कहा मौला मैं आपकी खातिर आता हूं, आपकी खातिर कि आप शबे जुमा पर करबला में आते हैं। हाँ ठीक है हमसे मुलाकात चाहता है, परेशान मत हो अगर तेरे अमाल ऐसे ही रहे हम खुद तेरे से मुलाकात के लिए आएंगे। लेकिन मौला शबे जुमा पर मैं करबला क्यों ना आया करूं? जिन माँ बाप को घर में छोड़कर आता है तू क्या सोचते उन्हें खिदमत की जरूरत नहीं होती? वो एक दूसरे का चेहरा देखते रहते हैं जब उन्हें किसी चीज की जरूरत होती है, माँ बाप की खिदमत करता रहे। जब भी बड़ा बेकरार हो ना कि करबला जाना चाह रहा हूं, माँ बाप की पाइंटी से आवाज दे अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्ला, ऐसा है जैसे हुसैन की जालियों को थाम के तू खड़ा होकर जियारत कर रहा है। अजीब शरफ है, माँ बाप का शरफ देखिए और मोमिनीन के माँ बाप हो। लेकिन ये इमाम जमाना ने हमें बता दिया कि देखो अपने दिलों को करार दो, ठंडा रखो कि अगर कुफर ने अपने जाल फैलाए हुए हैं तो हमने भी तुम्हें तनहा नहीं छोड़ा है, हम भी यही हैं, मिलना चाहो तो आ जाना, ये पते यहीं पर मौजूद हैं। दीन की खूबसूरती यही तो है, इसमें बैलेंस बहुत है, तवाजन बहुत है। तवाजन क्या है? तवाजन ऐसा है, बस भैया आओ थोड़ा सा पैगाम तो दूं। तवाजन क्या है कि दीन में ऐसा नहीं है कि किसी के हुकूक ज्यादा हैं तो जिम्मेदारी ज्यादा नहीं है, जिम्मेदारी ज्यादा है तो हुकूक नहीं है। नहीं, अगर जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है तो हुकूक भी उतने ही होंगे, दीन में बैलेंस है। ये जो हमें इमाम जमाना की जिम्मेदारी याद रह जाती है ना कि मेरे वक्त के इमाम हैं, मेरे इमाम को मेरी है मदद करनी चाहिए, मुझे आकर अपनी ज्यारत करवानी चाहिए, कभी सोचा आपने? जब दीन ने हुकूक कितने रखे हैं, जिम्मेदारी इतनी रखी है वक्त के इमाम की, तो हुकूक कितने होंगे? बस भाई यहीं तक लाना चाह रही थी। कभी सोचा दीन ने वक्त के इमाम का हक कितना रखा होगा? कितना हक है? कल हम तड़प की बात कर रहे थे, तड़प
कितना हक रखा होगा? इतना हक होता है वक्त के इमाम का कि वो अगर चाहे ना तो आपकी जान ख़त्म करवा सकते हैं, आपकी जान ले सकते हैं, आपको ऑर्डर कर सकते हैं जा उस मैदान में चला जा, अपनी गर्दन को कटवा दे। उनसे कोई नहीं पूछ सकता, वो हमारी जान तक ले सकते हैं। मैं अपनी जान ऐसे ही नहीं दे सकती, गुनाहगार हो जाऊंगी, लेकिन वक्त का इमाम ऑर्डर कर सकते हैं। इतना हक है, इतना हक मानते हो? हम कहेंगे हाँ हम मानते हैं। वाकई मानते हो? मैं तुमसे एक सवाल करूं, कितना हक मानते हैं? कितना? मैं समझती हूँ हाँ मौला अगर आपने जान मांगी मैं दे दूंगी। एक चीज उन्होंने बड़ी मांगी है, वो दी क्या मांगा है? जितनी भी मौला की तौकीयात है ना, तौकी का पता है ना, वो खत जो इमाम जमाना ने गैबत में लिखे, ऐसे ही है। तौकीयात में एक चीज बड़ी तलब की इमाम जमाना ने, अपनी जान को तो अपने पास रखो, एक चीज बहुत मांगी, क्या मांगा है? अपने आशिकों मोहब्बत करने वालों से एक चीज की बड़ी तलब की है, क्या? सलातुल लैल, नमाज़े शब। कहते हैं बाज़ोकात एक एक तौकी में तीन तीन मरतबा मांगा है, मेरे चाहने वालों से कहो नमाज़े शब पढ़े। बाज़ोकात एक एक सफ़े के ऊपर सलातुल लैल के बारे में बयान किया, पढ़ते हैं। वह सलातुल लैल पे नहीं पढ़ना है, नमाज़े शब पे नहीं पढ़ना है, लेकिन पढ़ते हैं। नहीं पढ़ते तो इसका मतलब ये तड़प नहीं है जो उन्होंने मांगा है। मैं कहती हूँ मैं जान दे दूंगी, छोटी चीज़ मांगी वो तो दे दो पहले, वो तो दो। ये कभी किसी छठे इमाम के साथ हुआ था ना कि किसी ने शख्स ने कहा मौला आप परेशान ना हो, 200,000 तो शिया कूफे के अंदर ही हैं। इमाम ने कहा अच्छा शिया, 200,000 शिया? कहेंगे मौला ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? मौला ये बता उनके अंदर ये निशानी पाई जाती है जो शिया की है। कहा मौला कौन सी वाली? कहेंगे क्या वो एक दूसरे की जेबों में एक दूसरे के शरीक हैं, यानी एक दूसरे के माल में एक दूसरे को शरीक समझते हैं? कहेंगे मौला अब ये कौन करेगा, अपने माल में दूसरे को कौन शरीक करेगा? मौला ने कहा माल में तो दूसरे को शरीक किया हुआ नहीं है, जान मेरे लिए और देंगे, ये कौन सा शिया है? एक्चुअली हुआ क्या है, मुझे माने नहीं आ रहे हैं, नाने नहीं आ रहे हैं। मुझे करना क्या है, तड़प को पैदा करना है ना, तो मुझे सोचना पड़ेगा तड़प भी कैसी, कौन सी वाली, कौन सी वाली। थोड़ा सा एक मिनट के लिए रुको, कौन सी वाली तड़प? इमाम जमाना एक मोची से मुलाकात किया करते थे, मोची का पता है? कॉबलर जो शूज को मेंड करता है, मोची कहते हैं उसको। मोची से मिला करते थे रेगुलर बेसिस पे। सोचो हम लोग समझते पता नहीं मैं कितना माल दूंगी फर्श अज़ा और मजालिस के लिए, फिर जाकर इमाम जमाना से मुलाकात होगी, मोची बेचारा क्या कर सकता है? हाँ वो नीयत की बुनियादों पर आते हैं, नीयत की बुनियादों पर आते हैं। मोची से रेगुलर बेसिस पे उससे मुलाकात किया करते थे। कहेंगे एक दिन इमाम जमाना ने मोची से क्या पूछा, कहेंगे अगर मैं ना आया करूँ तेरी क्या हालत होगी? कहेंगे मोची ने बड़ा सोचा, अपनी निगाहों को नीचे कर लिया, बड़ा सोचता रहा, फिर निगाहों को उठाकर क्या बोला, कमला अब आप ना आए ना तो मैं मर जाऊंगा। कहते मौला ने उठकर सीने से लगाया, कहा इसीलिए आते हो, हमें पता है इतनी तड़प है, हम ना आए तो तुम मर जाओगे। ऐसी तड़प पैदा करनी है, इतनी तड़प कैसे होगी? इस तड़प को तरबियत देनी है, आई नीड टू ट्रेन दिस तड़प। थोड़ी सी तड़प हमें महसूस होती है, हतमन होती होगी, जब मुहिब हो तो होती है। कहीं ना कहीं कभी कोई दुआ पढ़ते हुए कभी मौला याद आ गए शिद्दत से, है तड़प है, लेकिन मुझे करना क्या है उसको और ज्यादा, उसके ऊपर मुझे काम करना है, उसको और निखारना है, तराशना है। जैसे जौहरी जो होता है ना वो क्या करता है, जेमस्टोन्स को कार्व आउट करता है ना तो प्रेशियस हो जाते हैं, प्रेशियस होते हैं। मुझे करना क्या, मौजूद है मेरे पास, मुझे कार्व आउट करना है, इस तड़प के ऊपर मुझे काम करना है। कैसे करूं, क्या करूं? बस भाई एक आखिरी बात सुनो, सुनो हाउ डू आई डू इट, इस तड़प के ऊपर मैं ट्रेनिंग, मैं अपनी खुद तरबियत कैसे करूं? आज से एक काम करना शुरू कर दो। ये जो हम मुस्तकिल एक चीज कहे जा रहे हैं ना, दीन के बारे में हकीकत पसंदी से सोचना शुरू कर दो। स्टार्ट थिंकिंग अबाउट थिंग्स एज इफ दे आर गोइंग टू हैपन, हतमन होने वाली है, दे आर गोइंग टू हैपन। हमारे साथ क्या हुआ है, कितना रियलिस्टिकली सोचते हो इमाम जमाना के जहूर के लिए, कितना रियलिस्टिकली? मैं अक्सर बच्चों से जब भी मैं दर्श वगैरह होते हैं ना तो उनसे मैं पूछती हूँ हाउ रियलिस्टिकली डू यू थिंक इमाम इज अबाउट टू कम। वो बच्चे भी परेशान हो जाते हैं ना, जैसे अभी आप परेशान बैठे हैं, कहते हैं हाँ नहीं वो आई बिलीव ही इज कमिंग। मैंने कहा अच्छा बैग रेडी है? व्हाट बैग? मैंने कहा ऐसे ही जाओगे, कोई एक दो सूट तो रखोगे ना, ब्रश तो रखोगे, डू हैव अ बैग रेडी? नो व्हाई? मैंने कहा इसका मतलब है तुम नहीं सोच रहे कि ट्रैवलिंग के लिए अभी तुम राजी नहीं हुए, तुम्हें नहीं लग रहा है इमाम आने वाले, कोई एक चीज तो कुछ तो होगी ना। रियलिस्टिकली हम नहीं सोचते, मुझे करना क्या है, सही से हकीकतन सोचना शुरू कर दो,
कुछ हो रहा है. देर इज हकीकतन, देर इज समथिंग हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड राइट नाउ. कुछ हो रहा है हकीकतन. ना बताने वाले भी ना आजकल इतना बताने लग गए कि इंसान परेशान हो जाता है कि ना बताने वाले इतना बता रहे हैं तो फिर कितना हो रहा है. मिसाल के तौर पे, अब नाम नहीं लिया जा सकता उन तंजीमों का, यहां पर पकड़े जाएंगे. अल्लाह की हिज्ब, उनसे जब कहा जाए ना, एक किसी ने पूछा अभी बहुत रिसेंटली, और क्यों पूछा होगा वो भी खुद ही जहन में ले आइए. उन्होंने कहा जंग शुरू कर दी साहब बहादुर से, फौज कितनी है? उन्होंने भी ऐसे ही जवाब दिया. कल के फरिश्ते कितने हैं? कहेंगे ये कौन सा जवाब हुआ? कल के बस यही जवाब है. जिस तरह से तुम्हें नहीं पता ना फरिश्ते कितने हैं, इसी तरह से हमें भी नहीं पता हमारी फौज कितनी है, कहाँ से आते हैं, कौन मदद करता है, वसीला कहाँ से होता है, असबाब कहाँ से होते हैं, इवन वी डोंट नो, हमें भी नहीं पता. ऐसा खूबसूरत पाकीज़ा तरीन जिहाद पूरी दुनिया में हो रहा है जिसमें हम और तुम तो कम शामिल हैं. दूसरे अदियान, दूसरे मसालिक और दूसरी कौमों ने उसमें शमूलियत ज़्यादा अख्तियार की हुई है. खुद सोचिए किस दौराहे पर दुनिया आकर खड़ी हुई है, उसमें हम लोग एक्टिव कम हैं, दूसरे लोग एक्टिव ज्यादा हैं. ईसाइयों ने हसन नसरुल्लाह की तस्वीरें उठाई, नाम ले दिया. यानी है क्या, ये हो रहा है, हकीकतन हो रहा है, चीजें हैं, सब कुछ हो रहा है. स्ट्रेंज थिंग्स आर हैपनिंग, वेरी स्ट्रेंज थिंग्स. अब मैं क्या बताऊं आपको, हमें कितने औराफा का पता है इस वक्त? आयतुल्लाह बहजत का सबको पता है, आरिफ थे उनसे पहले इमाम खुमैनी. एक्चुअली इमाम खुमैनी के साथ क्या था, आरिफ थे. उनकी किताबें पढ़े आपको पता चले, इरफान था उनके पास. उनसे पहले एक और लड़ी थी आयतुल्लाह मालिकी जवाद मालिकी तबरेजी, वो भी आरिफ थे. इन लोगों के उस्ताद थे उस्ताद अली आगा काजी, इन लोगों के उस्ताद थे. इनसे पहले एक और लड़ी थी हुसैन करबलाई वालों की. तीन लड़ियां पाकीज़ा तरीन उरफा की, और इनमें से एक एक इतने बुलंद मकाम पर है कि मैं अगर एक मिसाल दूं काफी होगा. आयतुल्लाह बहजत, इमाम खुमैनी, ये जितने भी उस्ताद अली आगा काजी, हुसैन करबलाई, इन सब पर किताबों की किताबें लिखी जा चुकी हैं. लोग कहते हैं हम हैरान होते थे कितने इनसे ही, मौला के गुलामों से इतने मौजज़ात जाहिर होते हैं तो मौला कैसे होंगे. इनमें से एक का मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल दूं, उस्ताद जवाद मालिकी तबरेजी कितनी बुलंद मायानाज शख्सियत थे. कहेंगे एक दिन बैठे हुए थे तो अपने एक शागिर्द से पूछा, कहेंगे वो फला शागिर्द वो जिसका इंतकाल हो गया था उसकी कब्र पर मकबरा बन गया? तो उस शागिर्द ने कहा नहीं मकबरा तो नहीं बना. कहेंगे कोई बात नहीं, अगले हफ्ते में जाकर उससे मुलाकात करूंगा. कहते हैं उस्ताद जवाद मालिकी तबरेजी एक मरतबा जैसे ही निकले कमरे से वो शागिर्द रोने लग गया. लोगों ने पूछा क्यों रो रहा है? कहेंगे उन्होंने कहा एक हफ्ते बाद वो इंतकाल शुदा शागिर्द से मुलाकात हो गई, इसका मतलब है उस्ताद जवाद मालिकी तबरेजी का इंतकाल होने वाला है. कहेंगे इमाम है क्या, उन्हें पता है कि हाँ मैं मरने वाला हूँ? कहेंगे नहीं, इतने बड़े आरिफ हैं, होगा ठीक. एक हफ्ते बाद कहते उन्हीं के ही उसी मदरसे में 200 से 250 तलबा ने एक ही ख्वाब एक ही रात में देखा. क्या ख्वाब देखा? कि एक जनाजा आ रहा है, उसके सामने रसूल खुदा चल रहे हैं. कहेंगे सब उठे और सब एक दूसरे से पूछ रहे हैं, कहेंगे मैंने एक अजीब सा ख्वाब देखा. वो कह रहे हैं मैंने भी देखा. पता चले एक शोर मच गया, किसका जनाजा आ रहा है कि जिसके सामने रसूल खुदा चल रहे. थोड़ी देर में इतला आ गई उस्ताद जवाद मालिकी तबरेजी का इंतकाल हो गया. इतनी बड़ी बड़ी शख्सियात, ये सब की सब ऐसी थी, और ये सब की सब क्या कहते हुए गए, मुझे आपको यहां तक लाना था. सब की सब क्या कहते हुए चले गए, एक ही चीज, इमाम आने वाले हैं, जल्दी कर लो, इमाम आने वाले. मुस्तकिल उरफा अगर कहे जा रहे हैं इमाम आने वाले, तो कुछ तो हो रहा है ना. हाँ ठीक है, मैं समझ गई कि वो आने वाले हैं, तो मैं क्या करूं? एक काम करो, एक जगह से आगाज करो. बस भाई आखिरी बात, हकीकतन आखिरी बात. जनाब नूह अलैहिस्सलाम ने कुरान मजीद में एक दुआ है जो जनाब नूह ने की थी, और वो हमारे लिए गाइडेंस, स्टार्ट डूइंग फ्रॉम टुडे. जनाब नूह अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं? कहते हैं अगर इंसान चाहे तो परवरदिगार उसके लिए आसमानों को गर्दिश में लेकर आ सकता है. हजरत नूह के साथ हुआ था ना, आपने बद्दुआ की थी, आसमान गर्दिश में आ गए थे. उन्होंने अपना एक्सपीरियंस, वो भी कितने सिन का, 950 साल तो फकत आपने तबलीग की थी, पूरा तजर्बा एक दुआ में हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने पेश कर दिया. क्या कहेंगे? अगर इंसान चाहे तो खुदा आसमानों को तुम्हारे लिए गर्दिश में लेकर आ जाएगा, यानी चीजों में तगैयर ले आएगा. अगर तू चाह रहा है, तूने करना क्या है? तुबू, पलटा, टेक अ यू टर्न. ये जो सीधे सीधे तू दुनिया की तरफ जा रहा है ना, टेक अ यू टर्न. खुदा ने खूबसूरती यही रखी, अपने रास्ते की खूबसूरती क्या रखी,
आप देखिए आम इंग्लैंड की रोड्स के ऊपर यू टर्न करना चाहो ना, हर जगह लिखा नो यू टर्न. ये दुनियावी देने वाले हैं, नो यू टर्न. खुदा ने अपने रास्ते पे हर जगह रखा हुआ है, ठीक है यू टर्न, ठीक है यू टर्न, वापिस आ जा, वापिस आ जा. क्या क्या मतलब? मुँह तू कबला मुँह तू, परवरदिगार कह रहे हैं पलट जा, क्योंकि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन. एक दिन तूने मेरी तरफ ही आना है, तो क्या कर, मौत से पहले मर जा, इससे पहले कि मैं जबरदस्ती वापस बुलाऊं. तू ऐसे ही वापस आ जाना. नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, या अली, मोहम्मद व अली मोहम्मद, बुलंद कर सलावत, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अली मोहम्मद व अज्जिल फरज. मसाइब तवील हैं, इसलिए मैं आपका इससे ज़्यादा टाइम लेना नहीं चाहती हूँ. पलट आओ खुदा की तरफ, तो होगा क्या? अगर मैं पलट गई खुदा की तरफ तो होगा क्या? हर चीज़ में खुदा दिखेगा, हर चीज़ में. और जब खुदा दिखने लगेगा ना हर चीज़ में, तो होगा क्या? फिर परवरदिगार देगा. जब इंसान दुनिया से तवक्कात रखता है ना, तो फिर दुनिया देती है. खुदा से तवक्को रखोगे तो फिर वो देगा, और जब वो देता है तो बेहिसाब देता है. फिर तुम कहोगे ना परवरदिगार हिम्मत ही नहीं है, मैं इमाम ज़माना की नासिर, मैं मुझ में तो हिम्मत ही नहीं है, मैं तो यही नहीं कर पाऊंगी. मैं रात को उठकर सलातुल लैल, मैं नमाज शब पढ़ूंगी, वक्त पर ही नमाज नहीं पढ़ी जा रही. मुथु कबला मुथु तू, वापस पलट के आओ, खुदा दे देगा, हिम्मत दे देगा, ताकत दे देगा, तुम्हारे अंदर अहलियत पैदा कर देगा. कभी सोचा अहलियत देने वाला सबसे बड़ी ज़ात कौन सी है? खुदा की कसम अहले बैत अलैहिस्सलाम में भी सबसे बड़ा देने वाला दरवाज़ा किसका है? हुसैन इब्ने अली का. उन्होंने इतना दिया है ना, इतना दिया है, जिन्होंने सोचा भी नहीं था उन्हें भी अलैहिस्सलाम बनाया, उन्हें भी अलैहिस्सलाम बनाया. कभी आओ हुसैन से मांगो. किसी ने सोचा था 10-11 साल का एक बच्चा, एक 15 साल का बच्चा, जिनके नाम भी तारीख पहले नहीं जानती थी, वो इस मकाम पर होंगे, उनके रोज़े अलग होंगे. किसी ने सोचा था जनाबे ऑन का अलग से एक हरम होगा? किसकी देन है? हुसैन की देन है. और हुसैन ने अपने साथ एक बीबी को रखा है कि कभी हो ना ज्यादा परेशान हो जाओ तो किससे मांगना? शरीकतुल हुसैन से. क्यों? क्योंकि इस बीबी का वास्ता इमाम जमाना भी देते हैं, इस बीबी का वास्ता इमाम जमाना भी देते हैं. बहुत अजीब मकाम है जनाब ज़ैनब आलिया का. जानते हो एक आलिम दीन ने ख्वाब में इमाम ज़माना को देखा. ये इमाम ज़माना बड़े बेकरार हैं, सर पे खाक है, गिरबान चाक किया हुआ है. कहा मौला आज क्या है? आज तो आशूर नहीं, अरबईन नहीं, क्या है दिन? कहा आज हमारी फूफी ज़ैनब आलिया की शहादत का दिन है. और इस दिन जानते हो मैं अज़ा कहाँ करता हूँ? कहा मौला किसी हरम में, किसी अज़ाखाने में? कहा ना, खुदा चौथे आसमान पर मलाइका की मजलिस सजाता है और उसमें मलाइका वो खुतबा जो मेरी फूफी ज़ैनब ने दरबार यजीद में दिया था ना वो सुनाते हैं. और फिर उस खुतबे को सुनकर मलाइका इतना गिरिया करते हैं, इतना गिरिया करते हैं कि परवरदिगार मुझे बुलाता है आसमानों में कि आकर इन्हें दिलासा दीजिए. बीबी तेरी मुसीबत कितनी है, कितनी मुसीबत है जनाब ज़ैनब आलिया की, सुनना चाहते हो? कहते हैं इमाम ज़माना ने एक आलिम दीन को ख्वाब में आकर क्या कहा? कहा मेरी पुपी ज़ैनब आलिया के हक का कसम देकर खुदा से मांगा करो कि मेरा ज़हूर हो जाए. उन आलिम दीन ने उठकर लोगों को बताया, कहा मौला ने कहा है हक के ज़ैनब आलिया की कसम दिया करो. किसी ने पूछा हक के ज़ैनब आलिया क्या है, क्या है हक, जनाब ज़ैनब का हक क्या है? कहते कहीं नहीं मिला, लेकिन शेख अब्बास कुम्मी की सोगनामा आले मोहम्मद में हमें एक रिवायत मिली. क्या? कि जब जोहर आशूर के नज़दीक जनाब ज़ैनब आलिया ने देखा ना हुसैन बच्चों को जाने की इजाज़त नहीं दे रहे. आज घबरा के ना रोना और शर्मा के ना रोना. वो बीबी जिसने बच्चों को नहीं रोया था आज हम उसे पुरसा देने के लिए आए.
उस बीबी का हमने गिरिया करना है जिसने मातम बड़ा किया है। आज मातम करके गिरिया करना, पुरसा देना है ज़ैनबे आलिया को। का जब बीबी ने देख लिया ना कि हुसैन बच्चों को इजाजत नहीं दे रहे, तो क्या किया आखिरी तरीका बीबी ने क्या इख्तियार किया? कहा ए अम्मा फिजा, हुसैन को मेरे खैमे में लेकर आओ। का जैसे ही हुसैन खैमे में आए हैं ना, बीबी आगे बढ़ी, का हुसैन मेरे हक की कसम मेरे शहजादों को इजाजत दे दो। का बस इतना कहना था, हुसैन ने हाथों को बुलंद कर दिया, कहा बहन जैनब तेरा हक बड़ा है, जाओ नो मोहम्मद को इजाजत दे दो। बच्चों को इजाजत मिली ना तो बीबी ने तैयार कैसे किया है? सोगनामे आले मोहम्मदी के अल्फाज हैं, कहते हैं बीबी ने कैसे तैयार किया, संदूक खोला, दो अमामे निकाले, एक जाफर तैयार का, एक अली मुर्तजा का। जाफर तैयार का अमामा बड़े शहजादे के सर पे रखा, अली मुर्तजा का अमामा छोटे शहजादे के सर पे रखा, दोनों को बिठाया, आंखों में सुरमा लगाया, बालों से खाक हटाई, कंघा किया। बीबियां परेशान, ये ज़ैनब क्या कर रही है? किसी को समझ नहीं आया। वो तो शहजादे जब मैदान कारजार में निकले हैं ना, और उमर साद ने ओनो मोहम्मद को देखा, दुश्मन पहचान गया कि ये ज़ैनब ने क्या किया है। जानते हैं उमर साद ने क्या किया, क्या कहा? कहा ए फौजे अश्किया, देखो तो सही, बहन को भाई से कितनी मोहब्बत है, अपने बेटों को मौत के लिए दूल्हा बनाकर भेजा है। बच्चे मैदान कारजार में आए, कभी मैं मना, कभी मैं सरा, कभी कलबे लश्कर, ऐसे हमले किए, लोगों की आवाजें आना शुरू की, ये जाफर तैयार के पोते हैं, मिलके हमला करो। अरे प्यासे थे, कम सिंते, कितना लड़ते, अब जो गिरे मैदान में तो हुसैन को आवाज दी, मामू आदरी किनी। बस भाई तुमने गिरिया कर लिया है, मजलिस इख्तिताम पे है। जब दोनों के लाशें खयाम में आए हैं ना, तो कहते हैं हुसैन ने एक मरतबा ज़ैनब आलिया को बुलाया, कहा बहन ज़ैनब आकर रो तो लो। बीबी आई, दोनों लाशों के पास बैठी, कहा ओनो मोहम्मद, मैं भाई पर से किसको फिदा करूं, रो ही नहीं, बच्चों के लाशों पे रो ही नहीं। 11 मुहर्रम आई, हर बीबी अपने वारिस के लाशें पे गिरी है, लेकिन जनाबे ज़ैनब भाई की लाश पे तो गिरी, ओनो मोहम्मद की लाश पे नहीं गई, रो ही नहीं। करबला से कूफा, कूफा से शाम, शाम से जिंदान, बीबी कहीं पर भी नहीं मिला के बेटों को रोई हो। वापस पलट कर मदीने आई, नाना की कब्र पे गई, कहा नाना नवासे का पुरसा, बेटों का तस्किरा नहीं किया। अम्मा की कब्र पे गई, कहा अम्मा भाई का कुर्ता लाई हूँ, बेटों का तस्किरा नहीं किया। लेकिन वो माँ जो करबला में न रोई, वो माँ जो शाम गरीबा में न रोई, वो माँ जो 11 मुहर्रम पे न रोई, थी तो माँ जब घर में आई ना, और सहने खाना में दो नन्ने नन्ने मुसल्ले देके उठाया, सीने से लगाया, आवाज दी का ओ मोहम्मद, माँ का दिल नहीं लग रहा, मेरे बच्चे घर में नहीं है, आओ मिलके पुरसा दो। ज़ैनब आलिया को, सैयदतुन्निसा को, अली मुर्तजा को।